दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। देखिए, प्रतियोगिता दर्पण का जो सार संग्रह वाला आपकी सीरीज चल रही है, आज वो उसमें है पार्ट टू। कल हमने कहे थे भारतीय इतिहास और संस्कृति के 12 महत्वपूर्ण क्वेश्चन, आज हम करेंगे राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन। तो क्वेश्चन 13 है, किस क्रांतिकारी ने कैदियों के लिए अच्छी सुविधाओं की मांग करते हुए 64 दिनों के उपवास के पश्चात दम तोड़ दिया। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 64 दिनों के उपवास के बाद किसने जो है दम तोड़ दिया था, तो वो थे आपके जतिन दास। क्वेश्चन 14, पूना के अंग्रेज अधिकारी रैंड की हत्या का जिम्मेदार कौन था, तो थे चापेकर बंधु। क्वेश्चन 15, इंडिया हाउस की स्थापना किसने की थी, इंडिया हाउस सामजी कृष्ण वर्मा ने। देखिए, हर क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो उसे ध्यान से कीजिएगा। क्वेश्चन 16, सूर्य सेन किस संगठन से संबंधित थे, ये थे इंडियन रिपब्लिकन आर्मी से। सूर्य सेन किस संगठन से संबंधित थे, इंडियन रिपब्लिकन आर्मी। क्वेश्चन 17, आज़ाद हिंद फौज के किन किन नेताओं पर लाल किले में मुकदमा चलाया गया। क्वेश्चन 17 है आपका, आज़ाद हिंद फौज के किन किन नेताओं पर लाल किले में मुकदमा चलाया गया, तो थे शाहनवाज खां, गुरुबख्श सिंह ढिल्लन और प्रेम सहगल। तो ये थे आज़ाद हिंद फौज के नेता जिन पर लाल किले में मुकदमा चलाया गया था। क्वेश्चन 18, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बलिया में किसने समानांतर सरकार स्थापित की थी, तो थे चीतू पांडे ने। 1857 के विद्रोह के किस नेता का नाम टोडूपंत था, टोडूपंत किसको बोलते थे, नाना साहब को। क्वेश्चन 20, बहादुर शाह सेकंड को किसने गिरफ्तार किया था, तो बहादुर शाह सेकंड को हडसन ने गिरफ्तार किया था। 21, 1857 के विद्रोह को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किस इतिहासकार ने कहा था, तो ये कहा था वीडी सावरकर ने। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 22, कलकत्ता में हिंदू कॉलेज और वेदांत कॉलेज की स्थापना किसने की थी, राजा राम मोहन रॉय ने। जो कलकत्ता हिंदू कॉलेज था और वेदांत कॉलेज, इन दोनों की स्थापना राजा राम मोहन रॉय ने की थी। क्वेश्चन 23, किस मुस्लिम समाज सुधारक को अंग्रेजों ने नाइटहुड की उपाधि प्रदान की थी, तो नाइटहुड किसको बोलते थे, सर सैयद अहमद खां को। तो ये थे 23 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।